हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है रूम नंबर 420 की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रूम नंबर 420 की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, मुंबई में मनोज की नई नई नौकरी लगी थी। मनोज की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, इसीलिए वो रहने के लिए किसी सस्ती जगह की तलाश कर रहा था जहां वो कम पैसों में रह सके। आखिरकार मनोज को एक पुरानी बिल्डिंग में सबसे ऊपर की मंजिल का एक खाली कमरा किराए पर मिल गया। उस कमरे का नंबर था 420। ये देख मनोज को थोड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन फिर बिना ज्यादा सोचे वो वहां रहने लग गया। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था। मनोज रोज अपने ऑफिस जाता और शाम को वापस आकर अपने कमरे में चैन की नींद सोता था। एक दिन मनोज बाजार में सब्जी खरीद रहा था कि तभी उसके मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी ने उसे आवाज देकर कहा, अरे सुनो भाई, कमरा नंबर 420 में रहने के लिए तुम ही आए हो ना? मनोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, मैं उसी कमरे में रहता हूँ। क्यों, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? दरअसल उस कमरे में कोई भी एक महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता। देखते हैं तुम कितने दिन रहते हो। मनोज को उस आदमी की बात थोड़ी अजीब लगी। मैं समझा नहीं, आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में, जरा खुलकर बताइए। सुनो, लोगों का कहना है कि कई सालों पहले उस कमरे में एक जवान लड़की की जलकर मौत हो गई थी। तुम दिखने में तो समझदार लगते हो, बाकी बात खुद ही समझ जाओ। ये सुनकर मनोज हंसने लगा और कहता है, अच्छा तो ये बात है, वहाँ एक जवान लड़की की आत्मा भी रहती है, लेकिन फिर भी उस कमरे का पूरा किराया तो मुझे अकेले को ही देना पड़ता है। खैर, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद मनोज वहाँ से चला जाता है। फिर रात को खाना खाने के बाद जब मनोज कमरे में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, तब बार बार उसे बाजार में मिले आदमी की बातें याद आ रही थी। और तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। आवाज सुनकर मनोज चौंक गया। अरे अब इतनी रात को कौन आया होगा? मनोज ने कमरे की बत्ती जलाकर दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है। फिर मनोज बत्ती बंद करके सो जाता है। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद मनोज को उस कमरे में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे अक्सर कुछ आवाजें सुनाई देती थी, कभी कोई लड़की हंसती, कभी कमरे के कोने से किसी लड़की की सिसक सिसक के रोने की आवाज सुनाई देती थी। जब मनोज ने उस बिल्डिंग के मालिक से इस बारे में बात की, तो उस मकान के मालिक ने चिढ़कर कहा, देखो लड़के, पूरे शहर में इससे सस्ता कमरा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, और अगर तुम कमरे को छोड़कर जाना चाहते हो तो शौक से जा सकते हो। देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, शायद उस कमरे में सच में कोई आत्मा रहती है। अच्छी कोशिश है, लेकिन तुम्हारी बेकार की कहानी सुनकर मैं किराया कम नहीं करूंगा। लेकिन पैसों की मजबूरी और सस्ते कमरे का मोह मनोज के डर पर हावी हो जाता है, इसीलिए चाहकर भी मनोज उस कमरे को छोड़कर नहीं जाता। फिर रात कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मनोज की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लड़की की लाश पंखे के साथ घूम रही थी और उसके पैर झटपटा रहे थे। लड़की जोर जोर से रो रही थी। उसकी इतनी तेज चीख सुनकर मनोज डर के मारे थर थर कांप रहा था।
उसकी सांस गले में अटक गई थी, मानो उसे लकवा मार गया हो। किसी तरह मनोज बिस्तर से सीधे कूदकर चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर भाग गया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां आ गए। मनोज ने उन्हें बताया कि उसके कमरे में पंखे पर एक जली हुई लड़की झूल रही है और वो जोर जोर से चीख रही है। लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो उन्हें वहां कोई लड़की नजर नहीं आई। मनोज की बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सबने उसे समझाया कि ये सब उसका वहम है, लेकिन उस रात मनोज की उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई और वो पूरी रात वहीं बाहर बैठा रहा। सुबह होते ही वो अपना सामान लेकर उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला गया। इसके बाद मनोज ने उस घटना का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। मनोज जानता था कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मनोज उसकी सच से वाकिफ था। तो आपने देखा दोस्तों रूम नंबर 420 की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।